देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि व्हाट्सअप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप व्हाट्सअप को अपने बिजनेस में किस किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं द फ्यूचर ट्रैक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और व्हाट्सअप के बारे में आज पूरे डिटेल से हम जानकारी लेते हैं कि आखिरकार व्हाट्सअप क्या है। देखिए, व्हाट्सअप एक पर्सनल यूजर सॉफ्टवेयर है जो पहले था। पहले क्या था कि व्हाट्सअप अभी वर्तमान में तीन प्रकार के हैं। सबसे पहला था जिसको हम लोग बोलते थे नॉर्मल व्हाट्सअप। नॉर्मल व्हाट्सअप से आप क्या कर सकते थे कि हम क्या है कि हम एक दोस्त है, एक दोस्त से बात करें, हाय आई लव यू लिखिए, उधर से आई लव यू आ गया। तो वो क्या होता था कि नॉर्मल व्हाट्सअप में होता था। अपना लड़का लोग आराम से रात को कम्बल में झाँप लेता था, आराम से मैसेज कर रहा, हाय डार्लिंग कैसी है, तो ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल व्हाट्सअप। लेकिन इससे क्या हो रहा था कि खास करके आपको बोल सकते मेटा को यानी फेसबुक को किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं हो रहा था। जैसे ही व्हाट्सअप फेसबुक ने खरीद लिया उसको, तो उसने सिर्फ लाया बिजनेस व्हाट्सअप। बिजनेस व्हाट्सअप में क्या हुआ कि अब जो है इसको कोई भी बिजनेसमैन यूज कर सकता है। अब उसमें क्या कर सकता था कि सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जाने के बाद आप वहाँ पर आप डिटेल्स डाल सकते हैं, जैसे दुकान का नाम डाल सकते हैं, कुछ अपना बायो डाल सकते हैं, फिर आप कैटलॉग तैयार कर सकते हैं। कि जैसे मान के चले मेरा किराना स्टोर का दुकान है तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल हो, तो वहाँ पर हम प्रोडक्ट का नाम के साथ बहुत सारी चीज़ें अब फीचर जुड़ गया। प्लस में आप अपना वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का लिंक भी डाल सकते हैं। और प्लस में क्या किया कि व्हाट्सअप को फेसबुक से इंटीग्रेट कर दिया। आप अगर मान के चलिए कि फेसबुक पर ऐड डालना चाहते हैं तो अपने व्हाट्सअप से ही डायरेक्ट आप फेसबुक पर जाकर एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बिजनेस है, जिससे कि आप अपने बिजनेस को व्हाट्सअप से ग्रो कर सकते थे। अभी वर्तमान में क्या हुआ कि बहुत सारे व्हाट्सअप पैनल आ चुका है। व्हाट्सअप पैनल हम भी परचेज किया हुआ है। और पैनल से क्या होता है कि हम एक बल्क, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्क पैनल, जो कि मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन बल्क पैनल भी दो प्रकार का आ चुका है। एक है आपका बल्क पैनल जहाँ से आपके नंबर से ही आप किसी को बल्क में व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऐसे अगर हम नॉर्मल अगर आप बिजनेस व्हाट्सअप से करते हैं तो आप 1,000-1,500 आदमी को कर सकते थे एक बार में, लेकिन जो बल्क पैनल आ गया उससे आप लाखों आदमी को एक बार में सेंड कर सकते हैं, लेकिन वो आपके नंबर से होगा। और अगर अनजान आदमी को अगर आप सेंड कर दिए तो क्या होता है, वो ब्लॉक हो जाता है, जो कि बहुत सारे कंपनी जो उसको सेल करती है 200-300 रुपये आपको दे देगा, आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वो बेकार होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका अगर कोई मान के चलिए ब्लॉक करवा दिया तो आपका व्हाट्सअप नंबर उस नंबर से फिर दोबारा व्हाट्सअप नहीं बनेगा। लेकिन अभी जो चल रहा है वो क्लाउड व्हाट्सअप पैनल बन चुका है। क्लाउड व्हाट्सअप पैनल क्या है कि आप व्हाइट पैनल जैसा एक रहेगा और बहुत सारी कंपनी उसको भी देती है, जो भी एक बल्क व्हाट्सअप पैनल है। लेकिन उसमें क्या है कि वो शायद .NET से बना हुआ है, .NET एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहाँ से बना हुआ है। तो वो क्या करता है कि आपको वो ऑटोमेटिक नंबर जनरेट होता है। जैसे आपके पास जो MS Excel में कुछ नंबर बना हुआ है तो आप क्या करिए, MS Excel में उसको डाल के आप उन्हें इंपोर्ट कर लीजिए, कॉपी करके आप पेस्ट कर लीजिए। अब पेस्ट करने के बाद आप क्या करिए कि आप वहाँ पर जो आपको कंटेंट लिखना है कंटेंट टाइप कर दीजिए। तो बहुत सारी कंपनी है जो इस तरह के क्लाउड पैनल भी देती है, जो कि ऑटोमेटिक नंबर जनरेटेड जाता है, जिससे आपके नंबर से नहीं गया तो आपके नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ब्लॉक नहीं होगा। बस आपको मैसेज में लिख देना है कि अगर आप मान के चलिए कि हम अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए हम व्हाट्सअप मार्केटिंग कर दिए, तो नीचे लिख देंगे अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करें, आप वहाँ पर नंबर अपना डाल दीजिए। तो जो स्टूडेंट आपको नहीं जानता है वो आपके दिए नंबर पर कॉल करेगा और वो आपको ब्लॉक भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा कि आपका ऑटोमेटिक जनरेटेड नंबर जो है वो दिया है, इसलिए आपका नंबर वो ब्लॉक भी नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी है जो कि इस तरह का काम करता है। आप जाइएगा, आप लिखिएगा व्हाट्सअप क्लाउड पैनल, गूगल में जाकर सर्च करिएगा। हम किसी का एफिलिएट नहीं कर रहे हैं कि हम आपको फोर्स कर रहे हैं कि उसका आप ले लीजिए। आपको जिसका समझ में आता है आप उसका परचेज कर यूज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन अभी क्या है कि आप जैसे ही आप मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप HDFC से या Paytm से या किसी कंपनी से जैसे ही कोई चीज़ आप परचेज करते हैं तो फटाफट देखिएगा उसका बिल आपके व्हाट्सअप में आ जाएगा। API क्या होता है कि जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारा कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट से कोई सामान परचेज करता है, तो सामान परचेज करता है अगर हम क्या किए कि हम व्हाट्सअप बिजनेस जैसे परचेज किया, अपना नंबर वगैरह डाला, तो हम क्या किए कि जो व्हाट्सअप बिजनेस API हमको मिला हम अपने वेबसाइट में उसको इंटीग्रेट कर दिए। जैसे ही हम अपने वेबसाइट में उसको इंटीग्रेट करेंगे,
ऑटोमेटिक वो जैसे ही परचेज करेगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा कि वो बिल उसके व्हाट्सएप पर चला जाएगा, क्वायरी भी उसके व्हाट्सएप पर चला जाएगा। तो ये भी अब क्या किया है कि मेटा लॉन्च कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनी जो है, ऐसा नहीं है कि जो बड़ा बड़ा कंपनी है उसी को खाली काम मिलेगा। जैसे मान के चलिए फेसबुक है, जैसे मान के चलिए इंस्टाग्राम है, जैसे आपका जियो मार्ट है, जैसे HDFC है, जैसे आपके, उसी को तो नहीं मिलेगा, हम भी ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आप कोशिश करें कि व्हाट्सअप बिजनेस API को इंटीग्रेट करें। तो अब आपको ये मिलेगा कैसे, इसके लिए आपका फेसबुक पेज जो है वो वेरी पूरी तरह से वेरीफाई होना रहना चाहिए। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आप अपने फेसबुक पेज को कैसे वेरीफाई करिएगा। तो आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि वो भी इस तरीके की चीज़ों को सीख कर जानकारी ले सकें और उसको यूज कर सकें।